रीवा प्रयागराज हाईवे पर स्थित सुहागी घाटी में एक बार फिर बीती रात कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार चार युवक घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर तत्काल सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है, जबकि घटना के बाद ट्रक सहित चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ निवासी कार सवार युवक रीवा जिले में पर्यटक स्थल पर पार्टी करने आए हुए थे। इस दौरान देर रात्रि लगभग 8:30 बजे चारों युवक कार से वापस प्रयागराज की ओर जा रहे थे, तभी सुहागी घाटी में कार के आगे चल रहे ट्रक में कार पीछे से जा घुसी, जिससे कार सवार चारों युवक घायल हो गए। वही घटना के बाद ट्रक सहित चालक फरार हो गया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि कार तेज रफ्तार से थी, जिसके चलते वह ट्रक के पिछले हिस्से में तेजी से जा घुसी। अगर कार के दोनों एयरबैग नहीं खुलते तो एक बड़ा सड़क हादसा हो सकता था और युवकों की जान भी जा सकती थी। ये जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है तो सीट बेल्ट की वजह से बच गए, एयरबैग खुल गए हैं, नहीं तो बचते नहीं ये लोग।